सब ठीक किया तुमने, बस एक बात भूल गए, जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, क्या चल रहा है? टाइगर 3 चल रहा है भाई साहब, तबाही चल रही है तबाही। एडवांस बुकिंग बहुत सॉलिड चल रही है और ओवरसीज में, यूएई में, यूएसए में, न्यूयॉर्क में एंड यूके में और कुछ गल्फ कंट्रीज में मूवी रिलीज कई जगह हो चुकी है और कुछ जगह एक आध घंटे बाद होने वाली है। शायद आप ये वीडियो जब तक देख रहे होंगे तब तक सारी जगह मूवी रिलीज हो चुकी होगी ओवरसीज में चुनिंदा जगहों पर। लेकिन ऑफिशियली इंडिया में मूवी रिलीज होनी है कल 12 नवंबर को सुबह 5:30-6:00-7:00 इस जगह से ओपनिंग हो रही है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग पर यह मूवी रिलीज हो जाएगी। लाइक दिल्ली का मैं बताऊं तो शायद 6:00 के आसपास मूवी लग जाएगी या 7:00 के आसपास। कुछ जगह मुंबई में 5:30 से भी मूवी चलने वाली है। तो भाई साहब आपने, अगर आपको फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है तो आप बुकिंग कर लीजिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक बुकिंग में क्या रुझान चल चुका है, कितना हाथ लगा है, कितना और हाथ लगने वाला है, क्योंकि ये रात बड़ी भयंकर होने वाली है। इसमें लगातार बुकिंग चलने वाली है और अभी यूएई से कुछ एक यूट्यूबर्स रिव्यू भी निकाल रहे हैं, क्योंकि बहुत सी जगह मूवी रिलीज हो चुकी है और जगह जगह से रिव्यू आने शुरू हो जाएंगे। तो मूवी को पॉजिटिव रिव्यू मिल गए तो भाई साहब रात में सॉलिड तबाही होने वाली है और दमदार बुकिंग होने वाली है। नेशनल चेन से शुरुआत करेंगे। शाम तक की रिपोर्ट बताऊं तो पीवीआर प्लस आईनेक्स को मिला के ये मूवी 1.96 लाख की टिकट बेच चुके हैं। भाई नेशनल चेन्स में धमाका चल रहा है और तबाही देखने को मिल रही है। सिनेपॉलिस से 47,000 टिकट इन्होंने बेच दिए हैं और टोटल पीवीआर आईनेक्स और सिनेपॉलिस को मिलाकर बनता है 2.43 लाख। इट मीन्स ये कि 2,43,000 टिकट उन्होंने यहाँ से बेच दिए हैं। भाई सॉलिड तबाही, बिल्कुल तबाही देखने को मिल रही है। उसके बाद चलते हैं हिंदी 2D से इतने कितनी बुकिंग कर ली है। उससे पहले आपको बुक माई शो का इंटरेस्ट रेट बताऊंगा। तो भाई साहब बुक माई शो में तबाही चल रही है। शायद सलमान खान की पहली मूवी होने वाली है टाइगर जिंदा हो को भी इतने ज़्यादा बुक माई शो इंटरेस्ट रेट नहीं मिला था। लगभग 5,10,000 या फिर 12,000 के आसपास इसको इंटरेस्ट रेट मिल चुका है बुक माई शो पर, जो बहुत सॉलिड एंड अमेजिंग है इसकी बुकिंग के लिए, इसको बहुत ऊपर पहुँचाने के लिए। 2D से बताऊँ कितनी बुकिंग हो चुकी है भाई साहब, 5.9 लाख की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। इट मीन्स ये कि 5,90,000 के आसपास टिकट इन्होंने सोल्ड आउट कर दिए हैं। सो जिसके खाते में सिर्फ 2D हिंदी से आ चुके हैं 16,000 प्लस के आसपास और बुकिंग इन्होंने कर ली है एडवांस कलेक्शन के मामले में 15,56,00,000 के आसपास। भाई साहब सॉलिड सॉलिड तबाही देखने को मिल रही है। सिर्फ हिंदी 2D सिंगल स्क्रीन से ही इन्होंने मेजॉरिटी ऑफ कलेक्शन कर रखा है और दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी। हिंदी आईमैक्स की बात करें तो 63,00,000 की बुकिंग वहां से हो चुकी है। टिकट उन्होंने 10,000 सोल्ड आउट कर चुके हैं और 135 सोज आईमैक्स के खाते में जा रहे हैं। 4DX की बात करें, हिंदी 4DX की, तो 20,00,000 की एडवांस कलेक्शन वहां से कर चुके हैं और 3,100 टिकट ये लोग 4DX से बेच चुके हैं। हिंदी आइस वर्जन की बात करें भाई साहब, ये बहुत ही महंगे टिकट प्राइस होते हैं यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो बहुत अच्छा कलेक्शन है। फिर भी देखा जाए तो, लेकिन अगर मूवी को यहाँ से पॉजिटिव रिव्यू मिल गए कल के बाद से, यानी अभी शाम से ही, रात से ही देखो मूवी के रिव्यू आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऑफिशियली जो इंडिया में मूवी रिलीज होगी उसके बाद जो ऑफिशियली रिव्यू आएंगे, तो यहाँ से और भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आईमैक्स में, 4DX में, आइस वर्जन में, क्योंकि यहाँ पर टिकट के प्राइस 1400, 1200, 1300 भी होते हैं। तो भाई मूवी को पॉजिटिव रिव्यू मिलेंगे तो लोग इस पर ट्रस्ट करके जाएंगे। तो यस हिंदी आइस वर्जन की बताऊं तो 10,000 के आसपास इन्होंने बुकिंग ले ली है और तेलुगु से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। 32,00,000 की एडवांस बुकिंग तेलुगु से हो चुकी है। टिकट इन्होंने 25,500 के आसपास बेच दिए हैं। तमिल से मैं बताऊं तो 3,50,000 की एडवांस बुकिंग वहां से कर ली है और 3,700 टिकट इन्होंने तमिल वर्जन से भी बेच दिए हैं। तो भाई ये है तबाही, ये है टाइगर का जलवा, बिल्कुल जलवा चल रहा है। तो टोटल सोच कितने आ चुके हैं इसके खाते में, अभी शाम तक की बात करें 11 नवंबर की, अभी बुकिंग पूरी रात चलनी है, तो भाई पूरी रात में ये सोच और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। टोटल सोच आ चुके हैं 17,312 के आसपास और टोटल टिकट कितने सोल्ड आउट कर दिए हैं शाम तक, 6,35,000 के आसपास। भाई साहब रात भर बुकिंग चलनी है और ये आंकड़ा मैं भी मान के चल रहा हूँ कि 7,50,000 भी पहुँच सकता है टिकट बेचने के मामले में। बुकिंग कलेक्शन हाथ कितने लगा है भाई, मुद्दे की बात पर आएँ कि हाथ कितना लगा है एडवांस से अभी तक, 16,75,00,000 के आसपास इन्होंने अपने खाते में रख लिया है सिर्फ एडवांस से। गदर 2 का था 17,50,000 के आसपास, तो भाई साहब इसको तोड़ पाती नहीं तोड़ पाती, डेफिनेटली तोड़ डालेगी यार, क्योंकि रात भर बुकिंग चलनी है। अगर तोड़ डालेगी तो अच्छी बात है, नहीं तोड़ डालेगी तो भी अच्छी बात है। तो देखा जाए यार क्या ये मूवी
20 करोड़ की एडवांस बुकिंग ले पाएगी नहीं ले पाएगी वो तो भाई कल सुबह के 5 बजे की रिपोर्ट के बारे में भी पता चलेगा, जो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, डेफिनेटली बनाऊंगा कि ये एडवांस बुकिंग में कितना कर पाई है। आपके हिसाब से क्या मूवी एडवांस कलेक्शन में 20 करोड़ ला पाएगी या नहीं ला पाएगी, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।